नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ थोड़ी पुरानी यादें ताजा करने आया हूं। यहां बात करूंगा ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कोविड के सुपर हीरो थे। कोविड के समय में शेयर का भाव 300 रुपए था और विद इन अ ईयर 3000 हो गया। इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स की टूटकर इन्वेस्टमेंट की राय रहती थी, करते थे इन्वेस्टमेंट, सबकी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स आ गए थे। और जब गिरना शुरू हुए थे ना स्टॉक, तो किसी भाव पे रुके नहीं और लगभग स्टॉक में नीचे में 900 रुपए तक के आपने भाव देखे। 3000 से 3 साल तक टूटा, 3000 वाला 800-900 पे आया, लेकिन अभी वापस से चलना शुरू हो रहा है और 1300 रुपए तो हो चुका है, यानी नीचे से 50% ऑलरेडी ऊपर आ गया है। टेक्निकली वन साइडेड ऊपर आया है, तो अभी कितना ऊपर जाएगा नो वन नोस। लेकिन इन स्टॉक्स की क्या कहानी बदलने वाली है, दोबारा निवेश किया जा सकता है? क्योंकि अभी भी अगर मैं देखूं ना, तो ऊपर से मोर देन 50% डाउन है ये स्टॉक। 3000 के हाई है, आपके लिए 1300 रुपए पे एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और एक स्टॉक भी ऐसा ही है जिसने अपने प्रीवियस हाई को आई थिंक ऊपर में ब्रेक कर दिया है। और मैंने इस स्टॉक पे तब भी वीडियो बनाई थी जब इस स्टॉक ने कुछ नेगेटिव चीजें शो करी थी। स्टॉक की बात करता हूँ एक एक करके आप सभी के साथ। स्टॉक के नाम बताने से पहले आपको इनके सेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। सेक्टर है पैकेजिंग का। यूफ्लेक्स के स्टॉक पे नज़र डालिए एक बार। यूफ्लेक्स के शेयर में अभी आपको 759 रुपीज़ का भाव देखने को मिल रहा है। यूफ्लेक्स का शेयर इसके प्लांट्स के ऊपर, नोएडा के ऊपर जब रेड वगैरह पड़ी थी, बहुत कुछ हुआ था, तो स्टॉक गिरकर नीचे में आपके लिए ऑलमोस्ट 350 रुपये के करीब आया था। जब मैंने कहा था कि निश्चिंत तौर पे बैठ जाएं लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि बहुत समय हो गया तो उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन व्यू आपके साथ हमने शेयर किया था कि ये टेम्पररी रीजन से गिरावट है, वापस आएगा। लाइफ आई लगे हैं स्टॉक में दोबारा से आपके लिए। 811 का लाइफ आई है और ये लगा चुका है। मैं यूफ्लेक्स के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ यूफ्लेक्स का। यूफ्लेक्स 2020 कोविड में 200 रुपये का था और स्टॉक भागते भागते 2022 में 800 का हो गया, गिरावट हुई, और 2023 में 350 रुपये का रह गया। कंसोलिडेशन चलता रहा लगभग 2023-24 भी, और अब ये स्टॉक भागा है, पूरी की पूरी गिरावट को कवर कर दिया और 811 का हाई है, 760 रुपये पे बंद हुआ है आज, 768 का हाई है, तो ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है सारा। अब आता हूँ मैं जिस स्टॉक के बारे में बात, ये तो एक ट्रेलर था असली पिक्चर बताने से पहले। अब असली स्टॉक है दोस्तों पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। किसको याद नहीं होगा ये शेयर, जब भाग रहा था हर भाव पे हर इन्वेस्टर तैयार था खरीदने को। इसको काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट ने भी डिस्कस किया था कि लेके बैठे रहो, बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, इतना डिविडेंड उतना डिविडेंड, ना जाने क्या क्या बातें होती थी। कोविड के समय स्टॉक का भाव 300 रुपये था, 2022 में तेजी में स्टॉक ने हाई लगाया 3000 रुपये का। गिरावट शुरू हुई 2022 मई के बाद से, और गिरावट होती रही 2024 के जून मई में, लो लगाया 785 रुपीज़ के समथिंग का, यानी 800 के भी नीचे निकल गया ये स्टॉक, और अभी 1316 रुपये पे आ चुका है। क्या यहाँ पे लेना बनता है? आप सब छोड़ो, पहले इसके नतीजे देखो। इस बार नतीजे कितने तोड़फोड़ हैं। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, मार्च क्वार्टर में 1679 करोड़ का था और इस बार 1686 करोड़ का है। रेवेन्यू सिमिलर है, लेकिन मुनाफा देखो आप, मुनाफा लास्ट क्वार्टर 31 करोड़ था और अभी 97 करोड़ आया है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा है और चलने की तैयारी में है। दूसरी बात, 6% से मार्जिन 10% पे पहुंच गए हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। क्या ये पैकेजिंग वाला स्टॉक टर्न अराउंड हो रहा है? ऐसा हमें सोचना चाहिए, मेरे को लगता है हो सकता है हो रहा हो। अभी भी अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें ना, बहुत बुरी तरीके से टूटी है, बहुत बुरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी 2022 में 965 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी FY22 में, अभी कितना है पता है आपको? 194 करोड़ का, पूरा मुनाफा ही साफ हो गया है और इसीलिए शेयर गिरा है। लेकिन लास्ट क्वार्टर जैसा कि 97 करोड़ का मुनाफा क्लॉक कराया कंपनी ने, अगर इसी प्रकार आगे के तीन क्वार्टर और आ जाते हैं तो हो सकता है 400 करोड़ के मुनाफे पे पहुंच जाए, यानी कि 60 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर आ जाए कंपनी का। ठीक है, अभी स्टॉक आपके लिए 60 रुपीज़ पे आ गया अगर, और 40 पे ट्रेड कर गया तो 2400 रुपये का भाव हो जाएगा, जिसमें अभी कंपनी के मल्टीपल्स आप देखेंगे तो 43 के हैं, 43 के, और मैं 40 के मल्टीपल्स पे बोल रहा हूँ, 2400 रुपये हो जाएगा अगर अगले तीन क्वार्टर भी जो क्वार्टर इस बार आया वैसे रिजल्ट आ गए तो। तो मेरे को लगता है पॉलीप्लेक्स आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखिए 2000 रुपये के लक्ष्य के लिए। अब ध्यान से समझिएगा,
लेकिन आपको साथ ही साथ एक चीज और देखनी है, हर क्वार्टर के नंबर। अगर 100 करोड़ के पास है नंबर प्रॉफिट का तो होल्ड करूंगा, और 100 करोड़ 90 करोड़ से नीचे है तो फिर बेच दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए फिर नहीं रुकूंगा। ठीक है, यानी मुनाफा मुझे कंटिन्यू बेसिस पे चेक करते रहना है। अगर मुनाफा मेरा 100 करोड़ से नीचे है चलेगा, 90 करोड़ से नीचे नहीं चलेगा। 90 करोड़ के नीचे अगर मुनाफा क्लॉक कर रहा है तो मैं समझ जाऊंगा मेरी रिसर्च गलत है, और 90 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट कितना भी आ रहा है ना आप होल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। और इसी मल्टीपल पे भी रहा ये स्टॉक तो आपके लिए इजीली कहीं ना कहीं 2000 रुपए तक का भाव दिखाने की दम रखता है। तो ये मेरी तरफ से पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पे वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।